Good morning everyone, my name is Komal Yadav. Today we are going to discuss about the common effects on our respiratory system due to the intake of impure air. It's been that we have discussed earlier that respiration system. Respiratory system we have discussed and we have already discussed about what is respiration. Here uske baad se hum log ne respiratory system padha. Respiratory system mein I have told about the respiratory tract and after the respiratory organ. We have also discussed about the inhalation and the exhalation. Okay? तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में वी हैव डिस्कस दैट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट पॉसिबल कि एवरी टाइम व्हेन वी ब्रीथ वी विल गेट द ऑक्सीजन ओनली? सो इट्स नॉट, इट्स देयर. इट समटाइम्स आल्सो हैपन ड्यू टू द इम्प्योर एयर. इट्स मीन दैट एयर पोल्यूशन और सम अदर रीजन. व्हेनेवर वी आर ब्रीथिंग इन समटाइम्स अदर देन ऑक्सीजन इट विल आल्सो गेट इनसाइड आवर बॉडी. ओके, इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन प्रोसेस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी आर टेक जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो साथ में कोई और गैसेस भी हमारे बॉडी में चले जाए. अदर देन दिस कुछ और डस्ट पार्टिकल ओके आ जाए, समटाइम्स कुछ और भी आ सकता है. आई नो अबाउट दैट वन कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव डिस्कस दैट इन आर नोज इज अ फाइन एयर इज देयर फॉर टू फिल्टर द इम्प्योरिटीज. अदर देन दैट इन tracheae is there, some mucus layer is there. By this way what will happen, unwanted substance is going to be stuck and we can stick out from our body from the sneezing and the coughing process. But sometimes it's possible ki kuch cheeze unwanted substance hamare lungs mein aa. For that what is the effect of it ki hamare body mein agar koi unwanted cheeze aa jati hai baar baar ya fir kuch gas germs kuch bhi aa jaye is tarike se kya aata hai, iski wajah se kya bimariyan ho sakti hai. सबसे पहला है हमारा फ्लू. ये डिजीज है. यस, डिस्टर्बेंस ऑन योर टीज. यस करेक्ट. फ्लू एक पॉपुलर नेम होता है, कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा को ही पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं फ्लू. ओके, ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है. जस्ट यू नो अबाउट द कोरोना वायरस. दिस इज अ वायरल, दिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज. And this one is also like this. What? Influenza or flu. ये viral disease है, virus disease है. इसके symptoms sneezing होती है, यानी छींक आती है. Okay, fever रहता है. And the second thing, headache होगा. सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा और बार बार छींक आएगी. ये तीनों चीज़ें इसके symptoms दिखाई देंगे. Different viruses, अलग अलग virus, अलग अलग type के flu cause करते हैं. Okay? इसका मतलब ये है नहीं है कि इन्फ्लुएंजा एक ही है और उसका फ्लू मतलब एक ही है. नहीं, अलग अलग वायरस कई सारे फ्लू कॉज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग फ्लू कॉज करते हैं अलग अलग वायरस. अब वो फ्लू कौन कौन से होंगे, मेनली वी आर डिस्कसिंग, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो तीन है. पहला हमारा नॉर्मल जो फ्लू आप लोग सुनते हैं कॉमन फ्लू होते हैं. सेकेंड वन है स्वाइन फ्लू, नाम सुना ही होगा स्वाइन फ्लू. एंड थर्ड वन इज ब्लड बर्ड फ्लू. बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड कॉमन फ्लू, दीज ऑल थ्री कॉमन डिजीज. इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी, यू कैन से दैट इम्प्योर एयर, टेकिंग द इम्प्योर एयर जिसमें वायरस हो. हम लोग सांस लेते समय वायरस को अगर हमारे बॉडी में इनहेल कर जाते हैं तो कई सारे डिजीजेज होंगे. तो उसमें से होगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ओके कोरोना भी उसी टाइप का है. ओके, ये सब वायरल डिजीज. ये डिजीजेस क्या करते हैं, इन डिजीज़ों का जो इलाज है कह सकते हैं, इनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करता. एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बॉडी में लिया जाता है. ओके, या फिर डिस्कार्ड करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. बट एंटीबायोटिक्स इस वायरल डिजीज के केस में वर्क नहीं करता, काम नहीं करता. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को बचा लीजिए, अगर अपने आप को बचा सकते हैं. ये होगा हमारे फ्लू के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अस्थमा. अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, एलर्जी डिजीज है. ओके, एलर्जी डिजीज मतलब विच कॉज द पैसेज ऑफ
contract making, it's lining of swell. लाइनिंग टू स्वेल, यानी कि जहाँ से ये मतलब कह सकते हैं हवा का पास हो रहा होता है, अंदर जा रहा होता है, तो जाने आने की वजह से, स्टैगनिंग की वजह से क्या होता है कि वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. सपोज अगर कोई रास्ता है, रास्ते आप सड़क से जा रहे हैं, दो दीवारें खड़ी हुई हैं, वहाँ से आप जा रहे हैं, दीवार किसी वजह से थोड़ा और बढ़ जाए तो दुकान क्या आप रास्ता क्या होगा, बंद हो जाएगा. वैसे यही है, सपोज यहाँ से हवा यहाँ जा रही है और ये रास्ता जो है ऐसे बंद जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक बंद हो जाएगा. ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे. यू फाउंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होगी. ओके, तो यही होता है हमारा बैड इफेक्ट. ये बैड इफेक्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया जाए तो ये फेटल कॉज ऑफ इंसान की डेथ भी हो सकती है, बैड इफेक्ट में चला जाता है, बहुत ही सीरियस केस हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए. इन केस ऑफ दिस अस्थमा, लोगों को इनहेलर रिकमेंड किया जाता है. इनहेलर का काम क्या होता है, इनहेलर्स को हटाना. ओके, कॉमन ट्रीटमेंट इनहेलर यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, इन कॉन्स्ट्रिक्शंस को क्या कर लेता है, हटा देता है, रोक देता है, और कह सकते हैं बिल्कुल हटा देता है. ये हो जाएगा हमारा सेकेंड. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.